आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। करी पत्ता के कुछ एक फ़ायदों के बारे में हम सभी आज जानते हैं, जिन्हें आपको जानकर खुशी होगी और आप बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे। करी पत्ता अक्सर कढ़ी में डाला जाता है। इसे खाने में डालने से जायका बढ़ जाता है। अधिकतर महाराष्ट्रियन घरों में इसका पेड़ मिल जाएगा। यह खुशबूदार पत्ता होता है। इसको खाने से बाल काले और मजबूत रहते हैं। इसके पत्ते कुछ कुछ नीम की तरह होते हैं। दक्षिण भारत एवं पश्चिमी तट के राज्यों और श्रीलंका के व्यंजनों के छोंक में, खासकर रसेदार व्यंजनों में, बिल्कुल तेज पत्तों की तरह इसकी पत्तियों का उपयोग बहुत महत्व रखता है। इसे काला नीम भी कहते हैं। कढ़ी पत्ता लंबे और स्वस्थ बालों के लिए भी बहुत लाभकारी माना जाता है। कढ़ी पत्ता पेट संबंधी रोगों में भी अत्यंत लाभकारी है। इसकी जड़ का इस्तेमाल आँखों और किडनी के रोग के लिए होता है। कई कारणों से हिंदू धर्म में इसका पेड़ लगाने की हिदायत दी गई है। कड़ी पत्ते में मौजूद आयरन, जिंक और कॉपर जैसे मिनरल न सिर्फ अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं, बल्कि उन्हें नष्ट होने से भी बचाते हैं। इससे ये कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन तेज कर देती हैं। डायबिटीज पीड़ितों के लिए रोज़ सुबह खाली पेट 8 से 10 कड़ी पत्ते चबाना फायदेमंद है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। कड़ी पत्ते में एंटी डायबिटिक एजेंट होते हैं। यह शरीर में इंसुलिन की गतिविधि को प्रभावित करके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। साथ ही इसमें मौजूद फाइबर भी डायबिटीज़ के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। कैसे करें हम इसका इस्तेमाल? अपने भोजन में कड़ी पत्ते की मात्रा बढ़ाएं या फिर रोज़ सुबह 3 महीने तक खाली पेट कड़ी पत्ता खाएं तो फ़ायदा होगा। कड़ी पत्ता मोटापे को कम करके डायबिटीज़ को भी दूर कर सकता है। डायरिया को रोकता है। कड़ी पत्ते में कार्बाजोल एल्कालाइड्स होते हैं, जिससे इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह गुण पेट के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। पेट से पित्त भी दूर करते हैं, जो डायरिया होने का प्रमुख कारण है। इसके लिए आपको कैसे इसका सेवन करना होगा ये जानिए। अगर आप डायरिया से पीड़ित हैं तो कुछ कड़ी पत्तों को कसकर छाँछ के साथ पिएं। ऐसा दिन में 2 से 3 बार दोहराने से आराम मिलता है। बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं। ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल और प्रदूषण की वजह से बालों को काफ़ी नुकसान होता है। करी पत्ते में वो सारे पोषण तत्व पाए जाते हैं जो बालों को स्वस्थ रखते हैं। करी पत्तों को पीसकर इसका लेप बना लें, फिर इसे सीधे बालों की जड़ों में लगाएं, या आप करी पत्ते को खा भी सकते हैं। अगर आपको इसके कड़वे स्वाद से कोई परेशानी नहीं है तो इससे आपके बाल काले, लंबे और घने हो जाएंगे। साथ ही बालों की जड़ें भी मजबूत हो जाएंगी। नाक और सीने से कफ का जमाव कम करता है। अगर आपको सूखा कफ, साइनाइटिस और चेस्ट में जमाव है तो कढ़ी पत्ता आपके लिए बेहद असरदार उपाय हो सकता है। इसमें विटामिन सी और ए के साथ एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल एजेंट होते हैं, जो जमे हुए बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके लिए कैसे सेवन करना होगा इस पर ध्यान दीजिए। कफ से राहत पाने के लिए 1 चम्मच कढ़ी पाउडर को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। इस मिक्सचर को दिन में 2 बार पीजिए, आपको लाभ होगा। कैंसर से बचाता है ये। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बुढ़ापे को दूर रखते हैं और कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने नहीं देते हैं, इसलिए इसका सेवन करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाता है। लीवर को सुरक्षित करता है। अगर आप ज़्यादा एल्कोहल का सेवन करते हैं या फिश ज़्यादा खाते हैं तो कढ़ी पत्ता आपके लीवर को इससे प्रभावित होने से बचा सकता है। कढ़ी पत्ता लीवर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जो हानिकारक तत्व जैसे मरकरी, जो कि मछली में पाया जाता है, और एल्कोहल की वजह से लीवर पर पड़ता है। इसके लिए आपको कैसे इसका सेवन करना होगा इस पर ध्यान दीजिए। घर के बने हुए घी को गर्म करके उसमें 1 कप कड़ी पत्ते का जूस मिलाइए। इसके बाद थोड़ी सी चीनी और पीसी हुई काली मिर्च मिलाइए। इस मिक्सचर को कम तापमान में गर्म करके उबाल लीजिए और उसे हल्का ठंडा करके पीजिए, आपको लाभ होगा।
एनीमिया के रोगियों के लिए भी ये उपयोगी होता है। कड़ी पत्ते में आयरन और फोलिक एसिड उच्च मात्रा में होते हैं। एनीमिया शरीर में सिर्फ आयरन की कमी से ही नहीं होता है, बल्कि जब आयरन को अब्सॉर्ब करने और उसे इस्तेमाल करने की शक्ति कम हो जाती है तो इससे भी एनीमिया हो जाता है। इसके लिए शरीर में फोलिक एसिड की भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फोलिक एसिड ही आयरन को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। इसके लिए आपको कैसे सेवन करना होगा इस पर ध्यान दें। अगर आप एनीमिया से पीड़ित हैं तो एक खजूर को दो कड़ी पत्तों के साथ खाली पेट रोज़ सुबह खाइए। इससे शरीर में आयरन लेवल ऊंचा रहेगा और एनीमिया की संभावना भी कम होगी। कीड़े के काटने पर, जहरीले कीड़े काटने पर इसके फलों के रस को नींबू के रस के साथ मिलाकर लगाने से लाभ होता है। मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द से राहत देता है। मासिक धर्म के दिनों में होने वाली परेशानी एवं दर्द से निजात पाने के लिए कड़ी पत्ता काफ़ी असरदार होता है। इसके लिए इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए इस पर ध्यान दीजिए। इसके लिए मीठे नीम या कड़ी के पत्ते को सुखाकर इसका बारीक पाउडर तैयार कर लीजिए। एक छोटा चम्मच इस मिक्सचर को गुनगुने पानी के साथ सेवन कीजिए। सवेरे और शाम दिन में दो बार इसे दोहराइए। कड़ी, दाल, पुलाव इत्यादि के साथ करी पत्ते का नियमित सेवन बेहद फायदेमंद है। बालों का गिरना कम करें। करी पत्ता में विटामिन B1, B3, B9 और C होता है। इसके अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। इसके रोज़ाना सेवन से आपके बाल काले, लंबे और घने होने लगेंगे। यही नहीं, यह बालों को डैंड्रफ से भी बचाती है। जले और कटे स्थान पर इसके पत्ते को पीसकर आप लगाइए, आपको लाभ होगा। दिल की बीमारियों से बचाता है। एक स्टडी के अनुसार कड़ी पत्ते में ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गुण होते हैं, जिससे आप दिल की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीकरण होने से रोकते हैं। दरअसल ऑक्सीकृत कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, जो हार्ट डिसीज को न्योता देते हैं। इसके लिए आपको खाने में कड़ी पत्ते का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसके कुछ पत्तों को कच्चा भी चबाना चाहिए, आपको लाभ होगा। इन्फेक्शन, यह इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। किडनी के लिए भी यह लाभकारी होता है। आँखों की बीमारियों में लाभकारी होता है। इसमें मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट कैटरेक्ट को शुरू होने से रोकते हैं। यह नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने, ये था आज का हमारा देसी नुस्खा। कड़ी पत्ते के फायदे से लेकर के, कड़ी पत्ते के फायदों को जान करके आप चौंक जाएंगे। ये था आज का हमारा ये टॉपिक। और सीरियसली, अगर आप कड़ी पत्ते के फ़ायदे आज पूरा सुन पाए हैं तो ज़रूर आप आज से अपनी डाइट में कड़ी पत्ते को शामिल करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों, कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।